गगे को बचा लो। दादी गगे को जी दे देगी। और अगर हार गई तो गगे को। अंतिम प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण को कौन से पुष्प चढ़ाए जाते हैं और कितने? इस सवाल का जवाब तो हमें नहीं आता, अब क्या होगा? गंगा तो जवाब नहीं देगी। क्यों, गंगा आंसर क्यों नहीं दे सकती? यदि तुम्हें उत्तर मालूम है तो दे दो गंगा। ये क्या कर दिया तुमने, अब तुम्हें जल समाधि लेनी पड़ेगी। हम देते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप अपने दूसरे काम बाद में कर सकते हैं, अभी वहां चलिए ना हमारे साथ, वो बच्ची बच जाएगी वहां पे, आप कृपा करें हम पर, चले चलिए हमारे साथ। मेहरबानी कीजिए इंस्पेक्टर साहब, उस बच्ची पर अन्याय होने से सिर्फ आप ही रोक सकते हैं, चलिए हमारे साथ। देखिए मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, ऐसे नाजुक मामले में पड़ के मुझे अपनी नौकरी नहीं गंवानी। नौकरी तो आपकी अब जाएगी इंस्पेक्टर। आप जैसे ऑफिसर्स इस वर्दी के हकदार नहीं है। आपके इलाके में इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हो रही है और आप उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। अगर मैं आपकी शिकायत आपके डिपार्टमेंट में कर दूं तो सोचिए क्या होगा आपकी नौकरी का। आप जानते हैं ना ऐसे मामले में लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन गलत तो गलत होता ना इंस्पेक्टर, फिर चाहे वो धर्म की आड़ में क्यों ना किया जाए। कुछ लोग जनता की भावनाओं के साथ खेलकर अपना फायदा कर रहे हैं, क्या उन्हें रोकना आपका फर्ज नहीं? धन्यवाद वकील बाबू, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए हैं। अब इन्हें कहिए कि चले हमारे साथ, वहाँ अम्मा जी बहुत देर तक गंगा को जल समाधि लेने से रोक नहीं पाएंगी। अम्मा जी इस बारे में जानती? और इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे नहीं बताई। अम्मा जी ने हमें यहाँ भेजा है कि हम पुलिस को लेकर आए, तब तक वो वहाँ पर उन लोगों को रोकने का प्रयास करेंगी। इतना बड़ा रिस्क लिया अम्मा जी ने, ये जानते हुए भी कि गंगा की जान को खतरा है, मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने? आप लोग प्लीज जल्दी चलिए, मैं भी चलता हूं आपके साथ। आप निश्चिंत रहिए, गंगा को कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए मैं चल रहा हूं। आप चलिए चलिए। यादव दो कांस्टेबल को बुलाओ। तिवारी चालीग्राम जी, गंगा को बचा लीजिए, बस किसी तरह बचा लीजिए उसे। ये बहन जी की माँ जरूर आसपास होंगी, वो ही बचा सकती है गंगा को, लेकिन मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? अरे भाइयों चलो 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 चलो, गंगा जल समाधि ले रही है, चलो जल्दी। गंगा जल समाधि ले जा रही, समझ तो वो हार गई। उसे मैं अब कहना मान लिया, वो जवाब जानती थी फिर भी उसने उसे मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं गंगा को मरने नहीं दूंगी, नहीं मैं उसे बचाऊंगी। ये लड़की, आप सबने देखा ये विधवा हमारे बाल महन जी से ज्ञान प्रतियोगिता में हार गई। मुझे तो पहले से ही पता था महंत जी के सामने ये विधवा लड़की नहीं टिक पाएगी। कहां इतने बड़े ज्ञानी और कहां ये मूर्ख लड़की। महन जी को विजय दिलाकर तूने मेरा खेल बिगाड़ दिया लड़की,
तेरी हार से भी बहुत बड़ा फायदा होगा मुझे। बाल महन जी की जय। आप सभी भाग्यशाली हैं जो इस बाल विधवा को जल समाधि लेते हुए देखेंगे। जल समाधि के बाद यही गंगा अगले जन्म में देवी के रूप में धरती पे आएगी। आइए आइए आगे बढ़िए और आशीर्वाद लीजिए और श्रद्धा से दान दीजिए। शालिग्राम जी, जल समाधि के बहाने से ये ढोंगी पैसा कमाना चाहता है, इसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। दादी गंगा, क्या करूं मैं? दादी, अरे वो बच्ची मर जाएगी, अगले जन्म वो देवी बनेगी, इस बात का ढकोसला क्यों करें आप? अरे बच्ची एक बार तो बचाओ। अरे ये सुधा कहाँ रह गई? पुलिस को लेकर अभी तक आई क्यों नहीं? इस पागलपन को रोक पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये शालिग्राम जी मदद करो। अरे आप लोग क्या खड़े देख रहे हो? ये अनर्थ हो रहा है, रोको इसे। अरे बचाओ इस लड़की को, आप लोग क्यों खड़े हो? छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो दादी, छोड़ो इसे, अरे भगवान के लिए छोड़ो इस बच्चे को, अरे छोड़। अरे आप लोग क्यों खड़े हैं? आइए आइए आशीर्वाद लीजिए और दान कीजिए। अरे आपको तो खुश होना चाहिए माताजी, लोग विधवा की छाया से भी दूर भागते हैं और आज देखिए इसके पांव छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, दान दे रहे हैं। मैं कैसे रोक दूं इन्हें? और क्यों माताजी? तुम यही चाहती थी ना अम्मा जी, बालमान जी को मरने से बचाना था तुम्हें, है ना? ये लड़की, मैं ये सब नहीं चाहती थी। अरे मैं तो तुम दोनों की जान को बचाना चाहती थी, एक वो माँ का बेटा और एक तुझे। इसी तो मैं बार बार कह रही थी, चीख चीख के कह रही थी कि प्रतियोगिता बंद करो, प्रतियोगिता बंद करो, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। और देख इन लोगों ने तमाशा बना दिया, तुझे जल समाधि देने जा रहे हैं। शालिग्राम जी मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं चाह के भी तेरी मदद नहीं कर पा रही। कर लिया सबने दर्शन, आशीर्वाद ले लिया, अब गंगा की जल समाधि होगी। We'll be right back.
हे भगवान प्लीज गंगा को बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसने अभी कितनी जिंदगी देखी है। आई होप हम लोग लेट नहीं हुए, गंगा ठीक होगी। जरा जल्दी चलिए, गंगा की जान खतरे में है। जल्दी चलो, हमें वहां टाइम पे पहुंचना होगा। शालिग्राम जी बचाओ, लड़की को बचाओ शालिग्राम जी। सागर, छोड़ दो मेरा हाथ। गंगा, सागर। ये शालिग्राम जी बचाओ। शालिग्राम जी, शालिग्राम जी। पकड़ पाएगा उसे। बचाओ या से बचाओ।
या मुझे यहाँ से बाहर निकालो, दरवाजा खोल दो, मुझे बचा लो। ये कौन है और इसे कमरे में किसने बंद कर दिया? गंगा कहाँ है? मैंने उसे भगा दिया सर, नहीं तो ये लोग उसे जबरदस्ती पानी में डुबा के मार देते। भोले भाले लोगों की श्रद्धा का गलत फायदा उठाते हो। आज तुम्हारा खेल खत्म हो गया। धर्म के नाम पे किसी की जान लेने जा रहे थे ना, इस गुनाह के लिए कानून तुम्हें सजा देगा। चलिए हमारे साथ। कोई सबूत है आपके पास? कोई गवाह है जो ये बता सके कि मैंने अपराध किया है? गवाह है। महंत जी की मैया, ढोंगी पाखंडी, अपने फायदे के लिए मेरे बेटे को जाल में फंसाया तूने। अपने इशारे पे नचाता रहा और अपनी तिजोरी भरता रहा। ये बोल बोल, मेरे बेटे को मारना चाहता था ना तू? जैसे तूने बड़े महंत सदानंद जी को मार दिया। और सबसे कह दिया उन्होंने अपनी मर्जी से पद छोड़ दिया। लोगों के साथ विश्वासघात किया है तूने, धर्म के नाम पे अधर्म किया है तूने। तेरा कभी भला नहीं होगा, कभी भी तेरा भला नहीं होगा। लोग तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी माफ नहीं करेंगे। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी पुरोहित जी, आपने मठ के नाम को कलंकित किया है। चलिए हमारे साथ, ले चलो इनको। देखो गंगा, ये लोग तो गंगा का है। गंगा, गंगा कहाँ चली गई? गंगा कहीं घर तो नहीं? वाओ दी जी, तो बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे सालों पुरानी फोटोग्राफ्स में लगते हैं। हैंडसम एंड चार्मिंग, क्या ऐसे लगता है जैसे एक पॉइंट पे आकर उनकी एज रुकी गई। भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे बिल्कुल जीज जैसे हस्बैंड चाहिए। अरे दी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा मुझे बिल्कुल जीज जैसे हस्बैंड चाहिए। बरखा प्लीज, इस वक्त मजाक का टाइम नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सागर, अम्मा जी, गंगा, पता नहीं वहां मठ में क्या हो रहा होगा। Why are you getting worried? जीत गए ना पुलिस टीम के साथ, I'm sure वो हैंडल कर लेंगे। आपके हस्बैंड इतने सपोर्टिव, केयरिंग एंड इंटेलिजेंट है, उनके लिए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम बच्चों का खेल है। बरखा, तुम्हारी इन बातों से मेरा मन नहीं बहलने वाला। मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। सनी कहाँ रह गई? लो एम्स। और उनके साथ जीत्स, अपनी टेंशन दूर करो। ये इतने गुस्से में क्यों है? हे भगवान, सब ठीक तो है ना? आप गंगा की मदद करना चाहती थी, उसे बचाना चाहती थी, और इसीलिए आपने सुधा जी को पुलिस स्टेशन भेजा था। लेकिन आपको खतरा उठाने की क्या जरूरत थी?
जब आपको जल समाधि के बारे में पता चला तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सुधा जी कितनी विनतियां कर रही थी इंस्पेक्टर से, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि सागर ने कॉल करके मुझे इन्फॉर्म कर दिया, वरना मुझे तो कुछ भी पता नहीं चलता। आप ही मुझे बताइए कि आप रोक पाते उन लोगों को? मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा था नीरू, एकदम सुन हो गई थी मैं जब मैंने सुना कि गंगा को जल समाधि दी जा रही है। क्या है? सबको पता है मुझे लड़की पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल दूं। अम्मा जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। मम्मी, मम्मी, मैंने पूरे घर में देख लिया, मुझे नहीं मिली गंगा। मगर वो यहाँ क्यों आएगी? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे लगा कि घर आ गई वो। गंगा ने जो प्रॉमिस किया था बेटा, वो पूरा ही नहीं हुआ है। वो कैसे आएगी घर पर? हाँ, गंगा एक नंबर की अकड़ है। जब तक दादी उसे लो बुलाने नहीं जाएंगी, वो नहीं आएगी। मैं लेकर आऊंगा उसे। विधवा आश्रम से घर लौटने के लिए गंगा ने ये सब किया है ना? बस और नहीं, मानता हूं कि नहीं आएगी, वो नहीं मानेगी, लेकिन मैं मनाऊंगा उसे और अपने साथ लेकर आऊंगा। अच्छा, तो फिर से एक बार और तू अपनी माँ के खिलाफ जाएगा, मेरी बात अनसुनी करेगा? जी, क्योंकि आपकी बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उस बच्चे की हिफाजत भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। अपनी जिम्मेदारी पर मैं उसे घर लाया था, वो जिम्मेदारी तो निभानी होगी ना मुझे। अच्छा, तो तू मेरी इच्छा के खिलाफ जाएगा, जा 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 जा। लेकिन मैं कहती हूं कि वो नहीं आएगी। बहुत स्वाभिमानी है ना वो लड़की, जब तक अपना वचन पूरा नहीं करेगी कैसे आएगी वो? तूने नीरू सिर्फ मेरी जिद देखी है, उस लड़की की अकड़ देखी है? दावे के साथ कह सकती हूँ गंगा वापस नहीं आएगी। जानता हूं कितनी खुददार है वो लड़की, मगर आज आज उसे आना ही होगा। अम्मा जी ने उस लड़की को विधवा आश्रम में भेज दिया। अब वो पूरी जिंदगी ना विधवा आश्रम में पड़ी रहेगी। अम्मा जी ना है बड़ी स्ट्रिक्ट, वो किसी का नहीं सुनती। अब मजाल है कि वो लड़की वापस आ जाए? नहीं आने वाली। अरे वाह, कितना अच्छा टी सेट दिल्ली से लाई हो? जर्मनी से। जर्मनी? जर्मनी प्रभा। हाँ, वही। इसे लेकर जाओ, इसे साफ करो। कोई बात नहीं, इट्स जस्ट दैट पूरा का पूरा फर्नीचर यूके से आया है, सो बट नेवर माइंड, इट्स ओके। यूके मुझे पता है, उत्तराखंड ना, अरे वहां तो बहुत अच्छा सामान मिलता है, मैं भी वहां से ही शॉपिंग करती हूँ। यू हैवन्ट चेंज्ड एट ऑल प्रभा, यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यूके है। एक मिनट, हेलो, भगवान जी भी ना किसी को छप्पर फाड़ कर देते हैं और किसी को ठेंगा। काश काश मेरी भी किस्मत गिन्नी की तरह होती। वाओ,
इंपोर्टेड सोफे पे बैठती, यूके की बातें करती और जर्मनी के कप में चाय पीती। मगर क्या करूं, पति मिला भी तो फटीचर। ओके चलो, यू एंजॉय यूएसए, बाय। सॉरी यार, वो मेरी फ्रेंड का फोन था यूएसए। यूएसए? हाँ यूएस, हॉलिडे पे गई है। ये बताओ प्रभा कि मुझे अपने घर कब बुला रही हो? अपना कंगाली का तमाशा दिखाकर नाक नहीं कटानी मुझे, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा इस मालदार पार्टी पर रौब जमाने के लिए। What? प्रभा क्या सोचने लग गई? मैं ये सोच रही थी कि जैसे मेरे पति सिंगापुर से आ जाएंगे ना, तो मैं तुझे अपने घर पे बुलाऊंगी खाने के लिए। वो सिंगापुर गए हैं ना? अरे वहाँ ना ऑफिशियल काम से गए हैं सिंगापुर में। रियली? आई थिंक तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे हस्बैंड इंडियन रेलवे में काम करते हैं। तो इंडियन रेलवे और सिंगापुर, आई डिडंट अंडरस्टैंड। बनारस टू सिंगापुर रेलवे लाइन खींच रही है ना गवर्नमेंट, उसी के लिए तो गए हैं सिंगापुर। बहुत बड़े इंजीनियर से मिलने सिंगापुर गए हैं, तो वो जैसे आ जाएंगे ना, मैं तुम्हें खाने पे बुलाऊंगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। अरे वेट, जा कहाँ रही हो? चाय आ रही है, रुको दो मिनट, एंड आई विल जस्ट कम। या अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए कुछ तो तुझे करना ही होगा प्रभा, वरना ये औरत तुझे घास तक नहीं डालेगी। घंटी नहीं बजाएगी तू, तू जीत नहीं सकती, तू जवाब नहीं देगी। बजाएगी तू, जवाब देगी तू। मैं कह रही हूँ मत मत बजा, वो नहीं देगी जवाब। नहीं, पाखंडी, वो मेरे बेटे को मारना चाहता था ना तू, जैसे तूने बड़े मन सदानंद जी को मार दिया। तो ऐसा नहीं होगा अम्मा जी, शायद होगा, हम करवाएंगे। ले, जानती हूँ तू ठीक की चीजें पसंद नहीं करती है, इसलिए बाग से तोड़ कर लाई हूँ। बाग के मालिक से पूछ लिया था मैंने, चोरी नहीं की है, पकड़ ठूस ले। तुझे वो अंतिम प्रश्न का उत्तर पता था ना? तो फिर तू चुप क्यों रह गई, कुछ बोली क्यों नहीं? हाँ तेरे साथ कुछ भी हो सकता था, तुझे पता था ना? डर नहीं लगा तुझे? मुझे डर लगेगा, तुम सब थे ना वहां मेरी मदद करने के लिए, लेकिन वो बेचारे महान जी उनके पास सिर्फ उनकी मैया ही थी, बहुत रो रही थी वो। अगर बेचारे महान जी मर जाते उनकी मैया का क्या होता? अच्छा हुआ अम्मा जी ने हमें सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। लेकिन जो तूने प्रण लिया था वो तो पूरा नहीं हो पाया ना, कि महान जी से अम्मा जी के घर पे श्राद्ध करवाएगी, तो तू उस घर में अब वापस कैसे जाएगी? हम उस घर में कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं। ऐसे क्यों कह रही हो गंगा?
मैं आया हूं ना तुम्हें घर ले जाने के लिए। ले बेटा दूध पी ले। तू पूरा दिन इधर उधर भूखा प्यासा भटकता रहा ना, चल पी ले। और एक बात और, अगर आज के बाद बिना मुझे बताए चोरी छुपे इधर उधर गया ना तो देखना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। अरे मम्मी, मुझे गंगा की बहुत फिक्र हो रही थी, आपने मना किया था ना कुछ जाने से, इसलिए बिना बताए चला गया। कोई बात नहीं, चल दूध पी ले। नहीं मम्मी, मैं मन नहीं कर रहा। तू क्यों परेशान हो रहा है? पापा गए हैं ना गंगा को लेने, वो ले आएंगे उसे। आपको लगता है गंगा वापस आएंगी? मुझे तो नहीं लगता। दादी एकदम सही कहती थी, गंगा एक नंबर की अकड़ है। एक बार उसने कह दिया कि जब दादी बुलाने आएंगी तभी आएगी, वो वैसा ही करेगी, किसी की भी नहीं सुनेंगी, पापा की भी नहीं। सब कुछ नहीं होगा, तेरे पापा की बात मानती है, वो ले आएंगे उसे। सो जाए तो बहुत अच्छा है, आज मुझे पता चल जाएगा गंगा के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मेरी दोस्ती। काश गंगा घर लौटने के लिए मान जाए। बस गंगा, क्या हुआ अगर अम्मा जी की मर्जी से नहीं, मैं खुद तुम्हें लेने आया हूँ। उस दिन घाट से भी तो मैं ही तुम्हें ले आया था ना घर पर, मैंने ही कहा था ना कि आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, तो आज भी तुम्हें अपने साथ ले जाने का अधिकार है मुझे, पूरा है। देखो गंगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, अम्मा जी ने मुझसे नहीं कहा है, फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। चलो तुम हमारे साथ ही रहो, चलो। बापू, जो हमने अम्मा जी से कहा था वो तो पूरा किया ही नहीं हमने, तो फिर उनके सामने कैसे जाएंगे हम? बहुत बुरा लगेगा हमें, छोटे हो गए ना हम। तुम सबकी बहुत याद आती है हमें, तुम्हारी बहू जी की, सागर की, पुलकित भैया और अम्मा जी की बहुत याद आती है हमें। रिश्ता में तुम सबसे दूर याद करके रो के रह लेंगे हम बाबू, लेकिन वचन पूरा किए बिना वहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। सारे टाइम यही सोचेंगे हम कि बड़ी बात कह दी और काम नहीं कर पाए, फिर भी घर वापस आ गए, सोचो कितना बुरा लगेगा हमें बाबू। जानता हूँ कितनी स्वाभिमानी होती, उसी दिन समझ गया था जब तुम्हें पहली बार देखा था कि ये बच्ची बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगी, फिर भी चला आया तुम्हें लेने, सोचा शायद तुम अपना मन बदल लो, लेकिन नहीं, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा गंगा, जिसमें तुम्हें खुशी मिले, तुम्हें जो सही लगे, जिसमें तुम्हें तसल्ली हो वही करो, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने बाबू से कहोगी ना। अपना ख्याल थोड़ी देर अकेले रहने दे उसे, हम सबके सामने एक आंसू नहीं बहाए की लड़की, उसे भी तो पता है ना कि अम्मा जी के घर जाने का रास्ता उसने खुद ही बंद किया है, तकलीफ हो रही होगी उसे, अकेले में थोड़ा रो लेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा, रहने दे उसे। नहीं आई ना गंगा,
पांचवी चीज से तुम्हारी दोस्ती से ज्यादा बड़ी हो गई है ना। तुम्हारा दिल दुखाया है ना घर आने से मना करके, और साकर भी बहुत गुस्सा होगा हमसे, कभी नहीं समझता कि हमने घर आने से काहे मना किया। सब समझ गया मैं गंगा, तुझे कभी अपना दोस्त नहीं मानी थी। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया गंगा, 10 बार भी तो सॉरी बोलेगी ना मुझे तब भी मैं तुझे माफ नहीं करूंगा गंगा, देख लेना। फेवरेट बनाना मिल्कशेक। दी बता रही थी कि रात को तुम बिना कुछ खाए पिए सो गए, चलो ये लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, इधर सिट सिट हियर। अपना हाथ दो। लो बीपी, तुम तो इतने समझदार हो, तुम्हें पता है कि भूखा रहना हेल्थ के अच्छा नहीं होता। चलो मिल्कशेक पी लो, प्यार से बनाया यार, कम ऑन। प्लीज बरकावासी, मुझे अपना काम करने दो। काम? पर ये क्या काम कर रहे हो तुम? इतने गुस्से से ये चीजें क्यों अंदर डाल रहे हो? जो मुझे आना ही नहीं है तो मैं क्यों रखूं उसकी चीजें? वापस करने में जा रहा हूं उसकी चीजें। वो लिसन, होल्ड ऑन, ऐसे नहीं बोलते यार। देखो गंगा आ जाएगी, आज नहीं तो कल, उसका सामान यहीं रहने दो। प्लीज मासी, गंगा अपनी आएगी, आज उसने फिर से दिखा दिया उसके लिए सिर्फ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। जब उसे मेरे पास आना ही नहीं है तो मुझे भी उसकी चीज रखनी, जा रहा हूँ मैं। अरे सागर, लिसन टू मी, सागर स्टॉप, सागर। गॉड, सागर तुम्हें गंगा की कितनी फिक्र है यार। तुम्हें क्या लगता है कि गंगा को उसकी चीजें वापस कर तुम उसे अपनी लाइफ से अलग कर लोगे? नो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। I'm coming. हर साल की तरह इस साल भी मैं आपका श्राद्ध विधि विधान से करना चाह रही थी, लेकिन नहीं कर पाऊंगी, क्षमा कर दीजिए। आप तो मेरी मजबूरी समझ रहे हैं ना। Thank you.
अम्मा जी, आपसे कोई मिलने आया? मना कर दो, मुझे किसी से नहीं मिलना। मना करने से पहले एक बार देख तो लीजिए कौन है, शायद आपको अच्छा लगे उससे मिलकर। हरमन जी, आप बाल महंत नहीं, गौतम। लेकिन यहां कैसे? आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद कहने आई हूं। और मैं आपके पति का श्राद्ध कर्म करने आया हूं।